करना ही है तो जियो का बहिष्कार करो। कोरोना लॉकडाउन भुखमरी के बीच ही चीन से झगड़े होने का बम फोड़ दिया गया। सभी का ध्यान लॉकडाउन की बेरोजगारी और भुखमरी से हटाकर चीन की तरफ लगा दिया गया। बिहार चुनाव के मद्देनजर बिहारियों का ध्यान लॉकडाउन के दौरान पुलिस या पिटाई भुखमरी और मौतों से हटाना जरूरी था। इस मुद्दे पर हमने राजनीतिक पार्टी मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय सचिव मुस्तकीम मंसूरी से बात की। उन्होंने कहा, बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। सरकार खुद चाइना के बहिष्कार की बात कर रही है, आरएसएस कर रही है, और भी लोग कर रहे हैं, समाज के लोग चाइनीज आइटम का बहिष्कार कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहिए, कहाँ तक सही है ये? देखिए, जहाँ तक चाइनीज आइटम के बहिष्कार की बात है, तो मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चार झालरें और कुछ और चाइना के खिलौने वगैरह लेकर के जला दिया। ये बहिष्कार नहीं है। अगर चाइनीज झालरों का बहिष्कार करते हैं तो उससे चाइना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाइनीज खिलौनों का बहिष्कार करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन जड़ है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त अंबानी जी, उनका सारा व्यापार चाइना से है। तो हम प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि सबसे पहले जो पूरा वृक्ष बना हुआ है, जो वट है, जो सबसे बड़ी देश की जड़ है, जो देश को खोखला कर रही है, उस पर अटैक किया जाए। मतलब अंबानी जी के जियो के सिम को बंद करा जाए, News 18 जो चैनल है उसको बंद किया जाए, जियो के जो भी सामान चल रहे हैं वो बंद किए जाए। इससे चाइना पे असर पड़ेगा। खिलौने या झालरें या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो छोटा मोटा, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारी सरकार, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार दुकानों पर छापे पड़वाती है, वहां से माल बरामद करवाती है, तो उससे व्यापारियों को नुकसान होगा। हम ये चाहते हैं, सरकार अगर वाकई चाइना से बदला लेना चाहती है तो जियो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, जियो सिम है, जियो मोबाइल है और जियो डिवाइस है, जो कुछ भी जियो के प्रोडक्ट हैं, उन सबको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और चाइना से रिश्ते जो हैं केंद्र सरकार ख़त्म करे और अंबानी को ये ताकीद करे कि हमने चाइना से रिश्ते ख़त्म कर दिए, इसलिए चाइना का कोई प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं चलेगा। इससे फर्क पड़ेगा। और चूंकि अंबानी जी को आगे बढ़ाने वाले और मोदी जी को आगे बनाने वाले दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी अंबानी के प्रोडक्ट को पाबंदी लगाएंगे। मैं तमाम देशवासियों से इस चीज़ की अपील करता हूँ कि वो प्रधानमंत्री को खत लिख करके इस चीज़ की मांग करें कि अंबानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जियो सिम है, जियो मोबाइल है, जियो डिवाइस है और जो भी चीज़ें हैं, वो तत्काल प्रभाव से बंद की जाए और अंबानी की जो फैक्ट्रियां वहां पर लगी हुई हैं, वो सारी फैक्ट्रियों के माल की जो भारत के अंदर आता है उस पर पाबंदी लगाई जाए। मंसूरी साहब, अभी आपने एक बात कही कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस काम को करेगी, किसी चीज़ को बंद करेगी। ऐसा ना होने पर आप या आपकी पार्टी की तरफ से क्या अगला कदम होगा? देखिए, ये हमारी पार्टी की तरफ से जो कदम हो गई होगा, आज चाइना को लेकर पूरे देश के अंदर गुस्सा है। चाइना अपनी हदों को पार कर चुका है, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और हमारी जगहों पर चाइना ने कब्जा किया है। आज देश के अंदर सरकार के प्रति गुस्सा है, प्रधानमंत्री के प्रति गुस्सा है और गुस्सा जो है अंबानी के प्रति है। अंबानी के प्रोडक्टों को आवाम जो है रिजेक्ट कर रही है, उसका इस्तेमाल बंद करेगी। और मुस्लिम मजलिस जो है, ये स्वदेशी की मांग बहुत पहले से कर रही है कि अपने मुल्क के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें अपनाओ और विदेशियों को हटाओ।